मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपने पूरे आईपीसी को पढ़ लिया, उसमें से 5 हजार क्वेश्चन कर लिए, जिस समय इंटरव्यू देने जाना है पता चला उसमें से 50 क्वेश्चन याद हैं, उसमें से जो पूछेगा उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए, आप 10 में से 5 का जवाब दे के आ रहे। बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सो डोंट डू इट। मेरा ये पर्सनल व्यू है, आपका हो सकता है मेरे से कुछ अलग व्यू हो, मे बी नॉट। लोग शुरुआत करते हैं किसकी, एक रैंडम मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, एक ग्लिम्स आपको शेयर करता हूँ, एक झलक आपको पेश करता हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे आईपीसी के इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने अपने स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ, आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया, ये बिल्कुल हैंड रिटन मटेरियल है, कोई टाइप मटेरियल नहीं है। देखिए टाइप मटेरियल, हैंड रिटन मटेरियल का भी एक अलग ही मैटर है, जादू है। होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि जो टाइप मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके अदर सोर्सेस से कॉपी पेस्ट हो जाता है मैटर, यानी बहुत ही आसान है किसी के भी मटेरियल कॉपी करके उसको पेस्ट कर देना और आपको दे देना। तो ये यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर काफी हार्ड वर्क होता है, और हार्ड वर्क करके प्लस स्मार्ट वर्क करके दोनों चीजें करके आपको चीजें दी जाती है, मतलब एकदम सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव। ठीक है, देखिए जो बहुत जो अभी तक जो मैं आपको यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, ये 50 क्वेश्चंस जनरली आप कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स में एपीओ के एग्जाम हुए हैं उन सब में, इंक्लूडिंग हरियाणा में जैसे एडीए का होता है, दिल्ली के अंदर होता है, सीबीआई में होता है, इन सारे के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग बिहार, जहां कभी पूछे गए हैं उन सब का एक जिस्ट है, एक समरी है। तो ये आज आपको हम लोग 50 क्वेश्चंस का एक समरी दे रहे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर जो टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल आपने बहुत ही सिंपल आंसर देना है, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बोथ, डिफेंस ऑफ बॉडी प्लस प्रॉपर्टी बोथ ऑफ ओन एंड अदर्स। तो प्राइवेट डिफेंस का मामला आपको पता है, एक होता है सेल्फ डिफेंस, दूसरा होता है प्राइवेट डिफेंस। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा जो मैटर आता है उसमें कहते हैं व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट के मामले में देखिए यहाँ पर जो आप जाओगे ना, तो सेक्शन 320 मैं आपको एक शो कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सेक्शन 320। सी द ग्रीवियस हर्ट का यहाँ पर बकायदा कंप्लीट एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना। तो आप इसको एक जनरलाइज वे में बता सकते हैं कि व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, इसमें आप बता सकते हैं कि मैस्कुलेशन के कंडीशन में या परमानेंट प्राइवेशन ऑफ इधर आई, ईयर और ज्वाइंट, इन सब के प्रिविशन के कंडीशन में, या तो यहाँ पर आपको अगर याद होता है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ टूथ, इसके अलावा परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द फेस, या डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, इनमें से कोई भी इश्यू आ जाए तो, या जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉर्मली कि जिसमें 20 डेज तक, 20 दिनों के लिए बॉडी में बहुत ही सीवियर पेन होता है, या इंसान जो है अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट, जो डेली के जो रूटीन है वो 20 दिनों तक नहीं कर पाता है पर्सन, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ग्रीवियस हर्ट। तो आप कह सकते हैं कि सेक्शन 320 आईपीसी के अंदर ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन दी गई है। देर आर 8 टाइप्स जो कि बताए गए हैं, उसमें क्या है, अगर आपको ध्यान में नहीं है, आप हिंदी में आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं आंख, इसमें परमानेंट प्राइवेशन होता है किसी भी आंख का, यानी कि दो आंखें, मतलब किसी भी एक आंख का हो सकता है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग हो सकता है जो कि इसमें से किसी भी कान का, यानी कि इधर ईयर का हो सकता है, मतलब आप इनमें से चीजों को उठा करके शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा डॉरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन, डॉरी डेथ को ये अक्सर पूछा जाता है, ये सब कॉमन है क्योंकि तो बिहार में डॉरी डेथ के केसेस आते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डॉरी डेथ का मामला किस सेक्शन के अंदर दिया गया, तो सेक्शन 304 बी के अंदर दिया गया है। इसके अलावा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन जो कि नॉर्मली नहीं दिखता है, वॉलंटेरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ये पनिशेबल होता है किस सेक्शन के अंदर। सो वॉलेंटियरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हर्ट करने की बात कर रहे हैं, वही वॉलेंटियरली, और वो कैसे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 334 ऑफ द आईपीसी। वुमन, वुमन किसको बोला जाता है,
तो वुमन के डेफिनेशन में क्या है, तो वुमन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वुमन किसी भी एज की होगी, 0 से लेकर के अंतिम सांस तक के लिए जितना भी एज होगा उसको हम वुमन कह सकते हैं। मतलब 100 साल की अगर बुजुर्ग महिला है तो वो भी वुमन है, अगर 150 ईयर्स की बुजुर्ग महिला है तो भी वो वुमन है, 2 महीने की अगर है लड़की छोटी वो भी वुमन है एज पर द डेफिनेशन ऑफ आईपीसी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, ए इंस्टिगेट बी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक दो बंदे हैं, एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। ए ने क्या किया कि बी को इंस्टिगेट किया कि जाओ जेड का हाउस जला दो, और बी जो है इंस्टिगेशन में आकर के बी का हाउस जला देता है, सॉरी जेड का हाउस जला देता है। तो यहाँ पर मामला क्या होता है, एक और चीज जानिए, बी कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर, बी इसके अलावा क्या करता है, चोरी भी कर लेता है। सवाल ये उठता है कि ए किस अपराध के लिए दोषी होगा, तो देखिए चूंकि यहाँ पर ए ने इंस्टिगेट किसके लिए किया था, ए ने इंस्टिगेट किया था बी को सिर्फ और सिर्फ घर जलाने के लिए इंस्टिगेट किया था, इसीलिए ए को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एबेटिंग दी बर्निंग ऑफ हाउसेस हाउस के लिए यहाँ पर उसको दंड मिलेगा। इसके अलावा डाउरी डेथ के जो डेफिनेशन है, डाउरी डेथ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं, देखिए अननेचुरल डेथ, डेथ विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, या वुमन वाज सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी और हरासमेंट इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। बड़ा सीधा सा मामला है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि डाउरी डेथ का इंग्रेडिएंट क्या है, डाउरी डेथ कहाँ डिफाइंड है, 304B के अंदर। तो 304B के अंदर जो डाउरी डेथ डिफाइंड है उसमें आपका ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या आता है, अननेचुरल डेथ होना चाहिए, दूसरा ये 7 साल के अंदर मृत्यु होनी चाहिए, और जिस महिला की मृत्यु हुई होनी चाहिए उसके साथ क्रुएल्टी या हरासमेंट हुआ होना चाहिए, और दी विद दैट वाज दैट इज दैट मस्ट बी रिलेटेड विद डिमांड फॉर डाउरी, यानी डाउरी डिमांड होना चाहिए। उसके अलावा ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी, अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड लगता है, अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि ए ने गुड फेथ में जेड की प्रॉपर्टी उठा ली ये समझ करके कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, और वो उसकी प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। नाउ यहाँ पर कहते हैं कि ए ने कौन सा अपराध किया है, आंसर बड़ा सीधा है, कोई भी अपराध नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मामला किस चीज का है, गुड फेथ का। नाउ सी आगे देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाउरी, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ डकैती इज पनिशेबल और नॉट, तो याद रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ डकैती पनिशेबल है एज पर सेक्शन 399 ऑफ द आईपीसी। इसके अलावा रॉबरी क्या है, तो रॉबरी के लिए कहा है कि रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बोथ। देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, अगर पूछा जाता है कि रॉबरी क्या है तो रॉबरी को आप कह सकते हो रॉबरी का डेफिनेशन, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ किसका, तो रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बोथ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, ए जो है फॉल्सली प्रिटेंड करता है कि वो एक सिविल सर्वेंट है और जानबूझ करके इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को, और इस तरीके से डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को, लेट हिम ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, जिसके लिए वो पेमेंट करना नहीं चाहता है। सवाल उठता है कि ए ने कौन सा अपराध किया, तो ए ने कौन सा अपराध किया, तो ए ने चिटिंग का ऑफेंस किया है। नाउ सी मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर गैंग रेप अंडर सेक्शन 376D कितना है, सो गैंग रेप का मामला कहाँ आता है, 376D में आता है, और इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा वो होगा आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास मतलब पूरी जिंदगी का कारावास, मतलब वहां से वो जीवित लौट ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 87 आईपीसी किस लीगल मैगजीन पर बेस्ड है, देखिए सेक्शन 87 आईपीसी बेस्ड है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के ऊपर। इसके अलावा सेक्शन 153A का मैटर पूछा गया है, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज पनिशेबल, सो अगर हम एनमिटी प्रोमोट करता है कोई व्यक्ति डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, वॉलेंटियरली अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन दैट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, तो अगर कोई वॉलेंटियरली अटेम्प्ट करता है थ्रो करने के लिए एसिड को, एंड दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 326B ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट, हूएवर हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376, 376A और 376D, और सीधा सा क्वेश्चन है,
कोई भी व्यक्ति जिसका कि सेक्शन 376, 376A या 376D IPC के लिए पहले से कन्विक्शन हो चुका है और बाद में भी वो फिर से दोबारा कन्विक्ट होता है, तो अब कहते हैं कि उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो उसका जो पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ डेथ होगा। इसके अलावा प्रिपेयरिंग टू कमिट सुसाइड, प्रिपेयरिंग टू कमिट सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस, यानी कि सुसाइड की तैयारी करना ये कहीं भी अपराध नहीं है। ए किल्स सी, थिंकिंग सी इज बी, मतलब यहाँ पर सीधा से क्वेश्चन है, ए जो है बी को मारता है ये समझ कर कि वो सी है, तो वैसे केस में उसको क्या दंड मिलेगा, मतलब जिसको मारना था उसको मारा नहीं कोई और ही को मार दिया तो क्या दंड मिलेगा, तो मर्डर का दंड मिलेगा अंडर सेक्शन 302। नाउ ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन, अब यहाँ पर भी बड़ा सीधा सा मामला है, ये जो है फायर यानी कि नाप रात में जाकर के आग लगा देता है किसी ऐसे घर में जहाँ पर लोग निवास करते हैं, इसलिए ताकि वो आसानी से रॉबरी कर सके, और इस तरीके से उसमें जो आग लगाया उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति बी की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ए ने कौन सा अपराध कमिट किया है, तो यहाँ बहुत सीधा आंसर है कि ए विल बी पनिशेबल फॉर दी ऑफेंस दैट इज कॉजिंग डेथ वॉलंटियरली। नाउ आगे सुनिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा गया है, विच कमिटी प्रपोज ए न्यू चैप्टर इन दी आईपीसी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग व्हाइट कॉलर क्राइम एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो वो कौन सी कमेटी है जिसने आईपीसी के अंदर एक नया चैप्टर ऐड करने की बात करी है फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम WCC एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो उसका नाम है सैंथम कमेटी। एबेटमेंट कितने तरीके से किया जाता है, तो एबेटमेंट याद रखिएगा तीन तरीके से किया जा सकता है, सेक्शन 107 के अंदर आता है, इसमें हम लोग बात करते हैं इंस्टिगेशन, एडिंग और इंटेंशनल एड, जिसको बोलते हैं इंस्टिगेशन के जरिए किया जा सकता है, इंटेंशनल एड के जरिए किया जा सकता है या कॉन्स्पिरेसी के जरिए किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस ऑफ एबडक्शन अंडर आईपीसी द एबडक्टेड मेल पर्सन शुड बी, यहाँ पर क्लियर है कि कितने एज का होना चाहिए, तो किसी भी एज का हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के ऑफेंस के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, तो राइटिंग क्या है, अनलॉफुल असेंबली से पैदा हुआ पार्ट है, तो याद रखिएगा अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 चाहिए, तो राइटिंग के लिए भी यहाँ पर अंडर सेक्शन 146 यहाँ पर मेंशन है, इसके लिए कितने चाहिए, मिनिमम 5। मैक्सिमम लिमिट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कितना होता है अंडर सेक्शन 73, तो याद रखना है 3 मंथ्स के लिए। एक पर्सन है ए जिसको कि एक पर्स मिलता है, मान लीजिए कि आप एक पर्सन है ए और आपको एक पर्स मिला है, लेकिन उस पर्स के बारे में आपको पता नहीं कि पर्स किसका है, बाद में आपने उलट पुलट किया तो उसमें आपको किसी का आधार कार्ड मिला, पता चल गया कि किस बंदे का पर्स है, अब आपको पता है कि वो पर्स किस पर्सन का है, फिर भी आपको पर्स उस पर्सन को वापस नहीं लौटाते हो, तो यहाँ पर आपने एक ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें आपने जो काम किया है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया है। नाउ महबूब शाह वर्सेज इम्पेयरर, महबूब शाह वर्सेज इम्पेयरर का जो केस है वो किससे से रिलेटेड है, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। सिडिशन का मामला कहाँ डिफाइंड है पूछा जाता है, तो बोलना है आपने सेक्शन 124 IPCA, 124A IPC। इसके अलावा सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर हम ऑब्सीन मटेरियल सेल करते हैं बेचते हैं और उस जिसको बेचा जा रहा है उसकी उम्र 20 साल से कम है, तो कहते हैं कि उसने कौन सा अपराध किया है, तो सेक्शन 293 IPC के अंदर का अपराध किया है। चीटिंग का पनिशमेंट कहाँ पर मेंशन है, यानी कि चीटिंग का पनिशमेंट दैट इज मेंशन इन सेक्शन 417 ऑफ द आईपीसी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 आईपीसी व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म कितना होता है, तो इसका बड़ा सीधा आंसर है कि 14 साल होगा, 14 ईयर्स। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट मेक इट क्लियर दैट मियर क्रिटिसिज्म और कमेंट्स ऑन गवर्नमेंट कुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ सेडिशन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा वो केस लॉ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने पर या कमेंट करना सेडिशन का अपराध नहीं माना जाएगा, तो बिहार का चूंकि केस है इसीलिए पूछे जाने का चांस ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इन्वॉल्व किया था, तो याद रखिएगा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इन्वॉल्व किया था। इसके अलावा स्टॉकिंग क्या है, कहते हैं कि जब कोई पर्सन किसी को मॉनिटर करता है, किसी महिला को खास करके मॉनिटर करता है, एनी पर्सन या एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाई अ वुमन ऑफ इंटरनेट ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो
तो उसको कहते हैं कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, उसने कमिट किया है स्टॉकिंग का ऑफेंस। अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज द नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इज पनिशेबल। मतलब बड़ा सीधा है, कहते हैं कि वो कौन सा सेक्शन आईपीसी का जिसके अंदर अगर विक्टिम का ट्रीटमेंट कोई पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करता है तो पनिशेबल है। सेक्शन है 166B ऑफ आईपीसी। इसके अलावा सेक्शन 376D किस चीज से रिलेटेड है, किस अपराध से रिलेटेड है, तो आंसर में आपको देना है गैंगरेप। इसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के अंदर क्या होगी, अपलोड कर दी जाएगी इंटरनेट के ऊपर। दैट इज द जजमेंट गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया किन मामलों में अट्रैक्ट नहीं होता है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात होगी वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अट्रैक्ट नहीं होता है। नाउ एक पर्सन है ए, उसने मार्कशीट है, मार्कशीट को क्या किया, जानबूझ के मार्कशीट तैयार किया, फर्जी मार्कशीट तैयार किया है और इस इंटेंशन से किया ताकि उस मार्कशीट के बेस पर उसको नौकरी मिल सके। तो जो उसने अपराध किया उस अपराध को कहते हैं फर्जरी। नाउ ए एक पर्सन है, उसने एक पेड़ काट दिया है जो कि बी की जमीन पर है, इस इंटेंशन से कि वो उस पेड़ को चुपचाप धीरे से ले जा सकता है जो कि बी के कब्जे में आता है, और वो भी बी के बिना कंसेंट के ले जा सकता ले जाएगा। तो यहाँ पर ए ने कौन सा ऑफेंस किया था, ए ने किया थेफ्ट का ऑफेंस। आगे समझिए, एबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एबेटमेंट करने के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं, तो याद रखिएगा कि एबेटमेंट के कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर बात होती है जो कि अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं। एबेटमेंट के लिए जिस अपराध के लिए एबेट किया गया है जरूरी नहीं है कि तो उस अपराध को सामने वाले पर्सन ने किया होगा। यानी जिस पर्सन को एबेट किया गया है, यानी जो पर्सन एबेटेड है उसने वो ऑफेंस कमिट किया हो, ऐसा कोई जरूरत जरूरी नहीं है। सेक्शन 511 किस चीज पर अप्लाई होता है, किन मामलों पर अप्लाई होता है, तो जहां पर अटेम्प्ट की बात करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस की बात होती है, उन मामलों में सेक्शन 511 एप्लीकेबल होता है। अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर से अगर ऑर्नामेंट्स अगर डिसऑनेस्टली तरीके से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर अपराध होता है, ये अक्सर पूछते हैं, आप पीटी में भी पूछा जाता है, जिसको कहते हैं सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक पर्सन है विदाउट एन एक्सक्यूज फाइल ए लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड। ये एक पर्सन है जिसने बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के भीड़ भाड़ वाली जगह पर गोली चला दी और उसमें किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नाउ ऑल्दो ही मेन उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का, फिर भी ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ए ने सेक्शन 300 आईपीसी का अंदर का अपराध कमिट किया है। नाउ डिफामेशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, डिफामेशन किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो सेक्शन डिफामेशन डिफाइंड है सेक्शन 499 के अंदर। डेफिनेशन ऑफ क्वाइन, क्वाइन का डेफिनेशन कहाँ पर मेंशन किया गया है, सेक्शन 230 आईपीसी में क्वाइन का डेफिनेशन मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असॉल्ट ऑफ और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 356 ऑफ आईपीसी। अच्छा नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए विक्टिम, किसी भी पीड़िता का जो कि रेप पीड़िता है अगर उसके आइडेंटिटी को कोई डिस्क्लोज कर देता है तो दैट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी, तो सेक्शन होता है 228A। असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय, तो सिर्फ शब्दों के जरिए असॉल्ट नहीं हो सकता है। पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा होता है तो वो किस सेक्शन के अंदर अपराध है, तो सेक्शन 170 ऑफ द आईपीसी। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी इज इम्प्रिजनमेंट फॉर, तो मिनिमम ड्यूरेशन आईपीसी के अंदर कितने समय के लिए दंड का प्रावधान है, तो मात्र 24 घंटे के लिए दंड का प्रावधान है और वो दिया गया सेक्शन 510 आईपीसी के अंदर 510 के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन जो है आईपीसी के अंदर कवर करेंगे, तो 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल चैप्टर वाइज जाते हैं, पूरी वीडियोस देखना समझना फिर एनालिसिस करना, आधे वीडियो पर एनालिसिस मत करना। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करो, जो कहना कहो, लाइक कर सकते हो, अगर आप सही लगे तो लाइक करो, नहीं सही लगता है तो लाइक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं।
बट पॉइंट यहाँ पर यह है, हर एक पर्सन का तैयारी करने का एक अपना तरीका होता है, मेंटरशिप भी उसको मिलते हैं तो उस तरीके से मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों का होता है कि मैं एकदम सिस्टमैटिक वे में चैप्टर वन से कितने निकल सकते हैं क्वेश्चन, चैप्टर टू से कितने, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर एक रैंडम कर सकते हो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, रैंडम क्वेश्चंस कलेक्ट करे हुए हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। ये नहीं कि चैप्टर वन से इतने क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं, चैप्टर टू से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, चैप्टर थ्री से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, चैप्टर फोर से इतने, नो, जो पूछे जा रहे हैं। बनने को तो 1000 बन सकते हैं, बनने को तो 2000 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे आईपीसी से बनने को 5000 क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि कितना आपके माइंड को याद रह सकता है, कितना आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया फ्रीक्वेंट वे में क्वेश्चन आया है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। उन चीजों को आपको फोकस करना है कि जो बार बार पूछा गया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपने पूरे आईपीसी को पढ़ लिया, उसमें से 5000 क्वेश्चन कर लिए, जिस समय इंटरव्यू देने जाना है पता चला उसमें से 50 क्वेश्चन याद है, उसमें से जो पूछेगा उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए, आप 10 में से 5 का जवाब दे के आ रहे, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सो डोंट डू इट। मेरा ये पर्सनल व्यू है, आपका हो सकता है मेरे से कुछ अलग व्यू हो, मे बी नॉट। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, किसका, सीआरपीसी का। और जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे फटाफट जल्दी से मैसेज करो और फिर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फिजिकल करना है यानी कि ऑफलाइन मोड में, तो ऑफलाइन मोड में आप आ सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन भी करना है ऑनलाइन मोड में आ सकते हो। मैंने पहले ही कहा कि 1-to-1 सेशन होने वाला है, कोई भी मोर देन वन कैंडिडेट वहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप में क्या है, अलग है। हो सकता है कि किसी बंदे ने 10 साल प्रैक्टिस कर ली हो, किसी को भी 35 आ गई हो सकता है कि कोई बिल्कुल न्यू कमर हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सबको कंबाइन करके नहीं लेके चलना है, ठीक है, सबको इंडिविजुअल अटेंशन देने की जरूरत है। फिलहाल आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। अभी गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नाइट ही हो रहा है। थैंक यू एवरीवन।